निजकु धळ सामंत गैंग्र पिला कही दादा बटी आदाय करुथबा दुई जन युवक गिरफ्त करिछि कमिशनरेट पुलिस। तबे एमाने विभिन्न स्थान रे धमक दे लोकंकठारु दादा बटी आदाय करुथबा बेले कटक छत्र बजार जणे व्यवसायी कठारु धळ सामंत गैंग्र लोक कही एमाने बटी आदाय करिथिले। हेले केवल कटक नुहे अन्य जिल्ला रे मध्य एमाने धळ सामंत लोक कही बटी आदाय करुथबा विभिन्न थाना रे पूर्वरु अभियोग रहिछि। सेपटे पुलिस हाथ में धरा पड़ा दुई जन हेले कमलाकांत बारिक उरफ मंटू और दिलीप कुमार दास उरफ बाबू। एमानक भितरु जणक घर जगत सिंहपुर जिले में होता बेले आउ जणक घर ढेंकानाल जिला अंचल। एमानक निकटरु पुलिस बहु चुरा गाड़ी सहित नगद टंका को मध्य जबत करिछंती। पुलिस धळ सामंत नाँ से कौन गैंग नथिबा सूचना देथिबा बेले चाउलियागंज थाना होइथिबा अभियोग अनुसार दुई जन को गिरफ्त करा जाइथिबा अतिरिक्त डीएसपी अनिल मिश्र आयोजित एक सांबादिक सम्मेलन प्रकाश करिछंती। 2023 तारीख में आम चाउलियागंज थाना गोटे केस रजिस्ट्री कर जार संख्या नंबर है 165। से आम गोटे अजणा युवक से आम कंप्लेनेंट जी अच्छा हजबैंड जहाँ छत्र बजार बिजनेस अच्छी धमक करके पैसा मांगुले से संक्रांत केस रुजुला केस तदंत समय आम दुईज अभियुक्त को आरेस्ट कर जो मैंने कि विभिन्न खाली आम चाउलियागंज थाना नुह अन्य थाना जमीक ढेंकानाल और भुवनेश्वर विभिन्न थाना केन्द्रापड़ा से थाना निजक धळ सामंत गोष्ठी पिला कही प्रोटेक्शन मनी हिसाब से चंदा आदाय करने धमक दौर ढेंकानाल जनैक व्यक्ति पाखु धमक कर सारे लक्ष टा नहीं संक्रांत विभिन्न थाना केस हो कि आम से गैंग्र जो दुईज लोक धरीचु आरेस्ट कराइक आज आज कोर्ट चालाण कर तदन समय आम 92,000 टाँचा क्याश दुई गोटी मोटरसाइकल आउ पांच गोटी मोबाइल जबत करुचु आउ जो जबत होता मोटरसाइकल तार गोटे चोरा मोटरसाइकल भी आम जानवाक पाइचु ना एम प्रिटेड करते धळ सामंत गैंग ना बोली बर्तमान सुधा आम पाखे कौन प्रमाण ना एम घर हूँ जनकर घर हूँ जनकर ना है आपंकर मंटू ओरफ कमलाकांत बारिक आउ जड़े हेले बाबू अलियास दिलीप कुमार दास ए मंटू जनकर घर है जगत सिंहपुर आउ जनकर ढेंकानाल जमी आजिकल खबरकगज कह ना बाहर से भावुँ गोटे जदि बड़ कौन गैंगस्टर ना ने लोक भय करेंगे और पैसा देदेवे से बड़ गैंगस्टर ना नहीं कि मैंने यहाँ ये गोटे मानते योजनाबद्ध भाव में मैंने दिज जाक मिसिक कटक रेभेन्सा कैंपस जड़े रोचर जड़े टेम्पोरारी जो रोचा कैंपस आ जो जगत सिंहपुर घर तेनाली कटक सहित बर्तमान एट प्रेजेंट एड्रेस जहाँ रेभेन्सा कैंपस देखा बापा कौन कम कर भेरिफिकेसन कर हाँ रेभेन्सा पाखापाखी कम कर जो रोचे भेरिफिकेसन करतमान एड्रेस से देखते रेभेन्सा कैंपस बटी क्या 50,000 क्या लक्ष क्या 2 लक्ष ये टाइप कौन से निर्धारित अमाउंट ना बट मिनिमम 50,000 लक्ष टा बर्तमान सुधा दुईज अने दुईज ही कर हाँ अच्छी ना केस अच्छी ना ना पाखापाखी चाउलियागंज गोटे केस जो अच्छी कहली धौली थाना गोटे केस अच्छी लक्ष्मीसागर थाना गोटे केस अच्छी और ढेंकानाल थाना गोटे केस अच्छी हाँ सब एक्सट्रक्शन समस्त मोडस अपरेंडी है दुईज अभियुक्त जो मैंने बिजनेस करूँ टेलीफोन करी आम हो धळ सामंत गैंग्र सदस्य आमको प्रोटेक्शन मनी दिंतु बोली धमक चमक दौर मोडस अपरेंडी है से हाँ बर्तमान सुधा जो आम कंप्लेनेंट को पचार धळ सामंत कथा ही कहते वेपन्स ना छत्र बजार से गोटे अच्छी जो आम डाली चाउल व्यवसाय करती तेनाली नंबर से जेहेतु ये पाखापाखी रोच नंबर से कलेक्शन करेंगे समाह से जगत सिंहपुर रोचान कटक टेम्पोरारी हिसाब से रोचान जी आम अभियुक्त तेणु नंबर कलेक्शन कलापर तुम फोन करते प्रथम थर फोन कर धमकेला से मैडम को दे मैडम फोन में धरले जी आम अभियोग कर स्त्री को देले फोन से निजे धरले तापर से आसिक थाना जनइले थाना जनवापर आम छस जून मसू आम ये गैंग संपर्क में लगीलु और आज आमको सफलता मिलला आम आरेस्ट कर आज कोर्ट चल महानदी विहार तक व्यवसाय अच्छे छत्र बजार ना 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 डायरेक्ट ना सब फोन मध्यम पैसा ना बेलू डायरेक्ट जी जमीक ढेंकानाल पैसा से मैंने क्या ग्रहण कर ना ना अन्य का टंका नहीं ना केवल धमक देखते टंका मागिंट
ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାରି ଜଣ ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯାହା ପାଇଛୁ ଚାରି ଜଣ ମାନେ ହୁଏତ ଆଉ କାହାକୁ ମାଗିଥାଇପାରୁନି ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବେ କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଚାରି ଜଣ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ଧଉଳିରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ହେଇଛି ସୋ ଫୋର୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ସ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟ୍ରେସ୍ କରିଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହେଇଛି କିଛି ପେସା ନାହିଁ ମାନେ ଏଇ କାମ ତାଙ୍କର କିଛି ପେସା ନାହିଁ ଏମିତି ଏଇସବୁ କାମ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହଁ ଯିଏ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସିଏ ତାପରେ ଫୋନ୍ଟା ପାଇକି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲିଖିତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।